जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई स्टडी में। दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस का हमारा नेक्स्ट क्लास है। देखिए, इस क्लास में हम आज बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहा है आपके सामने दिख क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। यदि इसमें से उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तथा शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय किया तो पैदल तय की गई दूरी बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका बताएंगे इस प्रश्न को करने का। क्या कहा गया, देखिए, उसने जो है पैदल तय किया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और साइकिल से 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है। तो एक तरफ लिख लीजिए पैदल, एक तरफ लिख लीजिए पैदल और एक तरफ लिख लीजिए साइकिल, क्योंकि पैदल और साइकिल से दूरी तय किया है। तो एक तरफ लिख लीजिए पैदल और एक तरफ लिख लीजिए साइकिल। अब चाल कितना कितना है वो देखिए, चाल कितना है सो देख लेते हैं। पैदल का है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल द्वारा है 17 किलोमीटर प्रति घंटा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा ये लिख लिए। अब क्या है सो देखिए, तो इस तरह के प्रश्न को हम जो बनाएंगे वो एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। किस मेथड से बनाएंगे, एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। तो एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि अगर चाल से आप बना रहे हैं तो पैदल वाला चाल इतना है, साइकिल वाला चाल इतना है, तब बीच में भी एक चाल होना चाहिए जो औसत चाल होगा। तो क्या कहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटा में तय करता है। एक बात बताइए, 90 किलोमीटर को वो 9 घंटा में तय करता है, 90 किलोमीटर को 9 घंटा में तय करता है। तो यहाँ से चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा सब है, मतलब 90/9 यानी कह सकते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बीच में आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रति घंटा हो गया, अब ये भी चाल हो गया, ये भी चाल हो गया, एलिगेशन लगा दीजिए सही से एकदम सटीक तरीका आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 में से 10 घंटा ये तो 7 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में से 8 घंटा ये गया तो 2 हो जाएगा। अब देखिए, तो ये तो चाल था, लेकिन ये जो घटके आएगा, ये जो आपको घटके आएगा वो समय आएगा। क्या आएगा, एलिगेशन लगाने के बाद जो फाइनली आपका आता है वो आपका समय आता है। आपको ध्यान में यहाँ रखना है कि चाल से आपको समय का पता चलता है, चाल से समय का पता चलता है और समय से दूरी का पता चलता है। मतलब जब इस तरह के प्रश्न में आप एलिगेशन लगाइएगा और आपको चाल दिया हुआ है तो यहाँ जो आएगा एलिगेशन लगाने के बाद वो आपका समय आएगा। चाल है तो समय आएगा और समय रहेगा तो दूरी आएगा। ठीक, इतना बात सीख गए। तो हमसे क्या पूछा है प्रश्न वो जरा समझिए। हमसे पूछा है कि पैदल तय की गई दूरी बताइए, पैदल कितना तय किया है वो दूरी बताना है, पैदल वाला दूरी, पैदल वाला दूरी आपको बताना है। तो पैदल वाला दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय ना होता है। तो पैदल चाल कितना है, 8 है, पैदल चाल कितना है 8 है, समय कितना लेता है 7 लेता है, तो 8 सते कितना हो जाएगा 56 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सबसे आसान सुंदर तरीका यही है, 56 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रश्न से आप नहीं सीखे हैं बनाना तो दूसरा प्रश्न भी लेते हैं और बिल्कुल आप दूसरा प्रश्न से सीख जाइएगा। क्या कहा गया है दूसरा प्रश्न जरा समझिए। कहता है कि एक व्यक्ति ने 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। यदि इसमें से उसने कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तथा शेष दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तांगे द्वारा तय करता है तो तांगे द्वारा तय की गई दूरी क्या करना है। तांगा मतलब घोड़ा टमटम वाला। तो एक तरफ है पैदल, ठीक है, एक तरफ पैदल लिखिए, P4 पैदल हो जाएगा और P4 तांगा हो जाएगा। और चाल है, यहां हम स्पीड की बात करते हैं क्योंकि स्पीड दिया गया है, स्पीड की बात करेंगे। 8 है पैदल, 8 चलता है और ये 16 चलता है, तो 8 हो गया और 16 हो गया, और बीच में वो हमको रखना है। तो 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, 40 की किलोमीटर की दूरी जो है, 40 किलोमीटर की दूरी वो 4 घंटा में तय करता है। तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा, 40/4 करने के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तब बीच में हम 10 रखेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, क्या होने वाला है देखिए, 16 में से 10 जाएगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6/2। तो स्पीड से हमको किस चीज का पता चलता है,
टाइम का पता चलता है, स्पीड से टाइम का पता चलता है, और टाइम से हमको डिस्टेंस का पता चलता है। ठीक, इतना हो गया। हमसे पूछा है कि तांगे द्वारा टी द्वारा तय की गई दूरी, टी द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, टी द्वारा तय की गई दूरी, तो ई हो गया समय, आई हो गया चाल। ठीक है, तो समय चाल गुना समय हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा चाल आगुटा समय। तो चाल कितना है टांगा वाला, तो टांगा वाला का स्पीड 16 है, समय कितना लेता है, दूर लेता है, 16 गुना कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह का जो प्रश्न होगा आप इलिगेशन मेथड से बनाएगा, बहुत ही सुंदर तरीका है। चाल से के खाली समय का पता चलता है, समय देर रहता तो हमको दूरी का पता चलता। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। सीख पाए है कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।